साथ लीना। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम रायपुर पश्चिम विधानसभा में संपन्न हुआ, जहां कई विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से लंबी चर्चा कर योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान सीएम ने भेंट मुलाकात के दौरान आई लोगों की समस्याओं को हल करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस मौके पर जेपी नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त करें। वहीं जनगणना और राहुल गांधी के मुद्दे पर भी सीएम ने मीडिया से बातचीत की। देखिए सीएम ने किन मुद्दों पर क्या कहा। एक मुलाकात कार्यक्रम में शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उसका अनुभव ताजा किए, चाहे राशन कार्ड की बात हो, चाहे मोर मकान मोर चिन्हारी की बात हो, चाहे निमितीकरण की बात हो, चाहे और अनुज्ञा जो ऑनलाइन सुविधाएं मिल रही है, सब लोगों ने हितग्राहियों ने अपनी बात कही और संतोष व्यक्त किया। बहुत सारे जो नोनी सशक्तिकरण योजना है, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना है और ओलंपिक छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, उन सारे योजनाओं का लोग लाभ उठा रहे हैं और रायपुर पश्चिम में सभी प्रकार के शासकीय कार्यक्रम हैं उसका सही ढंग से क्रियान्वयन भी हो रहा है और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। श्री नड्डा जी से कहना चाहूँगा, अपने इतिहास की जानकारी दुरुस्त कर लें। यदि 70 साल यदि 1947 से करें तो समझ लीजिए 70 साल कब होता है। यदि पहला चुनाव 1952 में हुआ है तो समझ लो 70 साल 2022 में समाप्त होता है। तो 70 साल में बहुत ही होशियारी से अपने कार्यकाल को भी जोड़ लिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी कार्यकाल जोड़ लिए हैं, मुरारी देसाई चरण सिंह और चंद्रशेखर देगौड़ा जी के सबके सरकारों को उन्होंने जोड़ लिया। कांग्रेस इन सालों में 55 साल ही सरकार में रही है। ये जो राशन कार्ड बने हैं वो राशन कार्ड 2011 से जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर मिला है। अब 2021 में जो जनगणना होना था वो नहीं हुआ है और इसके लिए खड़गे साहब ने भी पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को लगातार, राहुल गांधी जी इस मुद्दे को उठाए, मैंने भी प्रधानमंत्री पत्र लिखा है। जाति जनगणना की बात हो रही है, लोग कर नहीं रहे, उसका खामियाजा आम जनता को हो रहा है। नीति से बात की है कि सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए, जब विधायक जी कोई कार्यक्रम बना रहे हैं तो रोड ओपनिंग पार्टी जानी चाहिए और जब लगातार उस एरिया में कैंप है तो कैंप से सीआरपीएफ के जवानों को रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो सुरक्षा जरूरी है और इस प्रकार से कोताही जो बरती जा रही है वो बर्दाश्त।